हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय माईट चैनल इस वाले वीडियो में हम लोग जो है टॉपिक नंबर फोर ऑफ चैप्टर नंबर टू जो है कंप्लीट करेंगे और एक से स्टार्ट करेंगे ओके तो इसके पहले हम लोगों ने टोटल थ्री टॉपिक्स ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है चैप्टर नंबर टू का दैट इज़ बेसिक कंसेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स टॉपिक नंबर वन डोमेस्टिक टेरेटरी टॉपिक नंबर टू नॉर्मल रेसिडेंट टॉपिक नंबर थर्ड फैक्ट्री इनकम एंड ट्रांसफर इनकम एंड नाउ वी आर डिस्कसिंग टॉपिक नंबर फोर फाइनल गुड्स एंड इंटरनेट गुड्स तो आइए जरा स्टार्ट करें फाइनल गुड्स और इंटरनेट गुड्स कहते किसे हैं तो फाइनल गुड्स सिंपल मतलब क्या होता है वो गुड्स वो गुड्स जो रेडी टू यूज़ है फॉर द पर्पज ऑफ कंजम्पशन और यू कैन ऑल्सो सिंपली से जिसने जो है प्रोडक्शन ऑफ जो है यू कैन सिंपली से बॉर्डर लाइन ऑफ प्रोडक्शन जो है क्रॉस कर चुका है जो प्रोडक्शन की जो बॉर्डर लाइन होती है उसको क्रॉस कर चुका है यानी कि वो फाइनली जो है प्रोडक्शंस कम्प्लीट हो चुका है और रेडी टू यूज़ है रेडी टू कंजम्पशन पर्पज़ है तो उसे हम बोलते हैं फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स की बात करूं तो वो गुड्स जो अभी बनके तैयार नहीं हुआ है वो फाइनली अभी तैयार नहीं हुआ है फॉर द पर्पज़ ऑफ़ कंजम्पशन उसमें आधा काम हो गया है या यू कैन से कुछ काम हो गया कुछ काम बचा हुआ है ठीक है जी थी? तो फाइनल गुड्स का मतलब क्या होता है जिसने क्या किया है विच हैव विच हैव क्रॉस दी बाउंड्री लाइन बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन एंड आर रेडी रेडी फॉर यूज़ ऑफ दियर फाइनल यूजर्स जबकि बात करूँ मैं इंटरमीडिएट गुड्स का तो जब हम इंटरमीडिएट गुड्स की बात करते हैं तो इंटरमीडिएट गुड्स वो होते हैं जिसने अभी तक अभी तक बाउंड्री लाइन जो है ऑफ प्रोडक्शन क्रॉस नहीं करा है तो इंटरमीडिएट गुड्स ऑल्सो रेफर्स टू वॉट दो गुड्स विच आर यूज ईदर फॉर रीसेल और फॉर फर्दर प्रोडक्शन तो या तो हम फर्दर प्रोडक्शंस के लिए जिस गुड्स को यूज़ करते हैं या यू कैन से रीसेल पर्पजस के लिए यूज़ करते हैं तो उसे भी हम लोग इंटरमीडिएट गुड्स ही कहते हैं तो ये है आपका क्या मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स अब बात करें क्या इन दोनों के बीच डिफरेंस का तो फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स का अगर डिफरेंस लिखने को आता है आपके एग्जाम में तो आप टेबल वाइज डिफरेंस लिखोगे सबसे पहला जो है हमारा क्या हो गया मीनिंग तो मीनिंग के अंदर वही सेम चीज़ लिखना है फाइनल गुड्स का मतलब क्या होता है फाइनल गुड्स रिफर्स टू दोज गुड्स विच आर इधर इधर फॉर कंजम्पशन एंड फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज़ बट इंटरमीडियट गुड्स की बात करूँ तो ईधर फॉर री सेल और फॉर फर्दर प्रोडक्शन नेचर क्या होता है तो फाइनल गुड्स का नेचर क्या होता है दे आर इंक्लूडेड इन बोथ नेशनल एज वेल एज डोमेस्टिक प्रोडक्ट और यू कैन से नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम बट जब मैं इंटरमीडिएट गुड्स की बात करूं तो ये तो ना तो नेशनल इनकम में कंसीडर किया जाता है और इंक्लूड किया जाता है और ना ही डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड किया जाता है मतलब दोनों में इंक्लूड नहीं किया जाता है यानी कि फाइनल गुड्स इंक्लूड करेंगे बोथ बहुत इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम में और इंटरमीडियट गुड्स को हम लोग एक्सक्लूड करते हैं यानी कि इंक्लूड नहीं करते हैं वैल्यू एडिशन तो दे आर रेडी फॉर यूज़ बाय देर फाइनल यूजर्स तो यहाँ पे क्या होता है नो वैल्यू हैड बीन एडेड टू दी फाइनल गुड्स लेकिन जब मैं बात करूँ इंटरमीडियट गुड्स का तो ये अभी तक रेडी नहीं है इसमें और वैल्यू एड होना बाकी है तब जाके ये फाइनल गुड्स बनेगा और तब जो है जाके ये रेडी टू यूज़ हो जाएगा इसके बाद मैं बात करूँ प्रोडक्शन बाउंड्री का तो फाइनल गुड्स क्या होता है ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन लेकिन ये अभी भी प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन के अंदर ही है अभी इसने क्रॉस नहीं करा है एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूँ मिल्क मिल्क को परचेज करा है किसी हाउस होल्ड ने फॉर कंजम्पशन पर्पज़ पर, तो ये फ़ाइनल गुड्स कहलाएगा लेकिन यदि मिल्क को परचेज करा है किसी दुकान वाले ने किसी श्वीट शॉप वाले ने यानी कि किसी डेयरी वाले ने ठीक है डेयरी शॉप वाले ने तो इससे वो क्या करेगा कुछ ना कुछ डेयरी के प्रोडक्ट्स बनाएगा तो फॉर रीसेल पर्पज़ तो इसलिए मिल्क जो है कैन बी फाइनल गुड्स कैन बी इंटरमीडियट गुड्स तो गुड्स डिपेंड करता है कि भाई वो जो बाय कर रहे हैं वो किस पर्पज़ के लिए बाय कर रहे हैं तो फाइनल गुड्स का मतलब क्या है वो फाइनली बाय किया जा रहा है कंजम्पशन पर्पज़ के लिए लेकिन अगर कोई रीसेल पर्पज़ के लिए या कोई फर्दर प्रोडक्शन के लिए सेम गुड्स बाय किया जाता है उसे हम इंटरमीडियट गुड्स कहते हैं इसके अलावा कार परचेज किया गया है एज एन इन्वेस्टमेंट्स लेकिन कोल जो है यूज हो रहा है इन फैक्ट्री फॉर फर्दर प्रोडक्शंस कार की बात करें और कोल की बात कर रहे हैं ठीक है ये अलग अलग यहाँ पे कोल नहीं होगा यहाँ पे भी कार लिखो ना अगर कार को यूज़ करा है इसके लिए फैक्ट्री में फर्दर प्रोडक्शन्स के लिए मान लो कोई कार खरीदा ठीक है जी और एक कैसे कोई फोर व्हीलर खरीदा और उससे फैक्ट्री में क्या कर रहे हैं किसी जो वर्कर्स हैं उसको एक जगह से दूसरे जगह फैक्ट्री के एक कोने से दूसरे कोने तक उसको जो है क्या कर रहा है ट्रैवल पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा रहा है कि सारे वर्कर्स को गेट से पिकअप करके फैक्ट्री के जो गेट होता है फैक्ट्री का गेट और जो मेन ऑफिस का गेट है वहाँ से वहाँ लाने ले जाने का काम करेगा तो इंटरमीडियट गुड्स कहलाएगा लेकिन अगर हमने कार फॉर सेल्फ पर्पज़ के लिए जो है ख़रीदा है ठीक है जी तो उसे हम लोग फाइनल गुड्स कहते हैं तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडियट गुड्स तो ये था आपका क्या फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडियट गुड्स का और यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे आ आज़ाद जी ये क्वेश्चन एक या दो नंबर में भी आ सकता है आपको कई सारे गुड्स का नाम देगा और आपसे कहेगा आइडेंटिफाई करो विच वन इज़ फाइनल गुड्स विच वन इज़ इंटरमीडियट गुड्स तो इसके कुछ एग्ज़ाम्पल्स हम लोग देख लेते हैं बाकी आप एग्जाम्पल यहाँ से खुद भी रीड आप कर सकते हो आसानी से तो सबसे पहला जो एग्ज़ाम्पल है वो क्या है पेपर परचेज बाय पब्लिशर भाई पब्लिशर ने पेपर परचेज करा है तो वो क्या करेगा रियूज़ करेगा उसमें फर्दर प्रिंट करेगा और फिर जाके बेचेगा तो वो उसके लिए इंटरमीडियट गुड्स कहलाएगा फर्दर प्रोडक्शन या फॉर रीसेल पर्पज़ इसके अलावा फर्नीचर बाय करा है किसी स्कूल ने फर्नीचर परचेज बाय ये बाय है बायो नहीं है फर्नीचर परचेज बाय स्कूल तो स्कूल ने फर्नीचर परचेज़ करा उसको यूज़ करने के लिए कंजम्पशन पर्पज़ के लिए ठीक है जी तो उसे फिनिश गुड्स कहेंगे फिनिश कह रहा हूँ फाइनल गुड्स कहेंगे मिल्क परचेज बाय हाउस होल्ड तो हाउस होल्ड का तो फाइनल गुड्स होता है फाइनल गुड्स बोलो या फाइनल प्रोडक्ट बोलो एक ही बात है प्रोडक्ट बोलो या गुड्स बोलो एक ही बात है फाइनल गुड्स बोलो या इंटरव्यूट गुड्स और फाइनल प्रोडक्ट या इंटरविनीट प्रोडक्ट एक ही चीज़ है इंटरव्यूट प्रोडक्ट या इंटरम्यूट गुड्स एक बात फाइनल गुड्स और फाइनल प्रोडक्ट सेम चीज़ परचेज ऑफ राइस बाय ग्रॉसरी शॉप ग्रॉसरी शॉप फर्दर रीसेल पर्पज़ के लिए खरीदता है कंजुमशन के लिए भैया रिटेलर जो है खरीद के लाया हाउस मैनुफैक्चर से या जो होल से और फिर वो बेचेगा कस्टमर को तो उसके लिए वो इंटरमीडियट गुड्स हैं लेकिन जब वो कंज्यूमर खरीद के लाएगा चाहे कहीं से भी लाए फैक्ट्री से लाए या फिर रिटेल शॉप से लाए या होलसेल से कंज्यूमर खरीद के लाएगा तो वो फाइनल गुड्स कहलाता है कोल यूज बाय मैनुफैक्चरिंग इंटरमीडियट गुड्स कंप्यूटर इंस्टॉल इन ऑफिस फाइनल गुड्स कोल यूज बाय कंज्यूमर इन हाउस होल्ड तो भाई हाउस होल्ड में भी कोल का यूज़ होता है और कोल का यूज़ होता है फैक्ट्री में भी होता है मैनुफैक्चर पर्पज़ के लिए तो फैक्ट्री में इंटरमीडिएट लेकिन हाउस होल्ड ने करा तो फाइन तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है ये आप जो है ख़ुद ब खुद रीड कर लेना और समझ लेना ठीक है जी मैंने आपको मेनली कंसेप्ट समझा दिया तो ये था हमारा टॉपिक नंबर फोर ऑफ चैप्टर नंबर टू ये हमने कंप्लीट कर लिया है बाकी जो है नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे तो इस लेक्चर के लिए इतना ही ओके बाय बाय सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर